नमस्कार, लोकल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अंकुरम पब्लिक स्कूल दावत में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न। दावत बुढ़वा महादेव स्थित अंकुरम पब्लिक स्कूल में गुरुवार को 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन किया गया। खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में बच्चों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं प्रतिभा से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता बुधवार से प्रारंभ हुआ था, जिसमें विद्यालय के छोटे छोटे सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। खेलकूद प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़, जोड़ी दौड़, रिले दौड़, पूरा दौड़, गणित दौड़, आंखा बंद दौड़, गुब्बारा क्लास, लंबी कूद, रस्सी खींच, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, गुब्बारा फोड़ एवं पानी भरना आदि का आयोजन किया गया। खेलकूद प्रतियोगिता के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चे प्रिंस आशुतोष, लालजी सत्यम, शिवम रत्नम, मोहित प्रियंका, बेबी खुशी, नेहा सलोनी, श्वेता रोशनी, गुंजन प्रिया, नैन्शी को विद्यालय के निर्देशक मनोज कुमार सिंह के द्वारा पुरस्कृत करते हुए उनका हौसला अफजाई किया गया। मौके पर बच्चों को संबोधित करते हुए विद्यालय के निदेशक ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल जरूरी है। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद पर भी ध्यान दें। इनको देखते हुए विद्यालय में प्रतिवर्ष वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, ताकि बच्चों को इसका लाभ मिल सके। प्राचार्य धनेश कुमार ने कहा कि खेल से बच्चों को मानसिक व शारीरिक विकास होता है, इससे बच्चे आज की प्रतियोगिता के योग्य बनते हैं। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में बच्चों ने हर्षोल्लास एवं उत्साह से भाग लिया और आनंद प्राप्त की। इस मौके नियंत्रक चारोधाम मिश्रा, शिक्षक उत्तम कुमार, मयंक सिंह, कुश शर्मा, पवन कुमार, शिक्षिका शिल्पी कुमारी, डिम्पी कुमारी सहित कई मौजूद थे। योग्यता रखते हैं, सभी प्रशिक्षक शिक्षक हैं और खेल की व्यवस्था यहाँ पर जो है बहुत अच्छी ढंग से की गई। हम चाहेंगे दावत प्रखंड के सभी अभिभावकों से कि वे हमारे विद्यालय में नामांकन कराकर अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास जरूर करें। चारोधाम मिश्रा, कंट्रोलर, अंकुरम पब्लिक स्कूल, दावत।